हेलो एवरीवन, मैं कमलेश सफल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है आपका एवरेज का क्लास नंबर 3। अच्छा, अगर टाइप की हम बात करें तो इससे पहले हम 3 टाइप आपको करवा चुके हैं, ठीक है। ये चौथा टाइप है, टाइप वाइज हम बात करेंगे, इसीलिए आप देखते होंगे थंबनेल पे लिखा रहता है टाइप वाइज सॉल्यूशन, है ना। तो आप देखिए आज का जो क्वेश्चन है इसमें इसी लेवल का क्वेश्चन कराने वाले, मतलब एक टाइप इसमें पूरा कवर होगा, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले अगर हम थोड़ा सा रेशियो प्रोपोर्शन, अगर आपने वीडियो देखा होगा, इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके सामने मान लो कि ए और बी का रेशियो दे दिया 1:2, है ना, बी और सी का रेशियो दे दिया कितना 2:3। आपको कहा जाता है ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करने के लिए। तो मैंने आपको वहां पर कराया हुआ है एक फिल इन द ब्लैंक्स का मेथड। कैसे, तो मैंने बताया था कि ए भी दिया हुआ है तो आप लिखो यहां पर ए के सामने 1, बी के सामने लिखो 2, है ना। फिर बी और सी का रेशियो कितना दिया हुआ है 2 और 3 दिया हुआ है, तो बी के नीचे लिखोगे 2 और सी के नीचे क्या लिखोगे 3। क्लियर है। और फिल इन द ब्लैंक्स, जितना भी खाली जगह बचा हुआ है इसके बाद का नंबर यहां पर क्या करो, भर दो। यहां पर 2 भरा जाएगा, यहां पर क्या भरा जाएगा 2 भरा जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 6, है ना। क्लियर है बात। तो इस लेवल का क्वेश्चन हमने आपको ये जो टाइप है ये हमने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अच्छे से कराया हुआ है। आप उसको अगर जाके देखेंगे तो आपको आज का जो क्वेश्चन है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। इन 3 नंबर्स, 3 नंबर दिया हुआ है, तो हम यहां लिखेंगे पहली संख्या, यहां लिखेंगे दूसरी संख्या और यहां लिखेंगे तीसरी संख्या। क्लियर है बात। इन 3 नंबर्स सेकेंड इज ट्वाइस द फर्स्ट। आप देखिए हम कैसे बनाएंगे, सेकेंड नंबर जो है वो ट्वाइस है किसके, फर्स्ट के। चलिए सेकेंड नंबर ट्वाइस द फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट नंबर 1 है, सेकेंड नंबर कितना है 2 है, 1 और 2 का रेशियो है। एंड थ्राइस द थर्ड, एंड थ्राइस द थर्ड कौन सा नंबर, सेकेंड नंबर के बारे में ही बात कर रहा है। एंड थ्राइस द थर्ड का मतलब फिर तीसरा नंबर 1 है और ये फिर क्या है 3 है। अब इसके बाद हमने आपको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। या तो आप ऐसे बनाओगे, ये तरीका सबसे बेस्ट इसीलिए है क्योंकि इसमें क्या है कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है तथा तीसरी की 3 गुनी है। देखिए पहली की 2 गुनी हो गया दूसरी संख्या, तीसरी से 3 गुनी हो गया, 3 गुनी है ये। हमने क्या किया, जो भी आसपास का नंबर था हमने इसमें क्या किया, भर दिया। क्लियर है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 2। क्लियर है बात, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब आगे पढ़ेंगे। इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 88, आपको एक बात मैं बता दूं कि एवरेज चैप्टर तो हम लोग पढ़ते हैं लेकिन इसमें क्या करते हैं, एवरेज को एवरेज के थ्रू नहीं बनाते हैं। एवरेज को पहले क्या करना पड़ता है, सम बनाना पड़ता है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि एवरेज इज इक्वल टू होता है, एवरेज इज इक्वल टू होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर, है ना। तो नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको कोई बोलता है कि नंबर निकालने के लिए या सम निकालने के लिए, सम की बात कर लेते हैं, अगर आपको सम निकालना हो तो आप बोल सकते हो कि एवरेज होने में क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है, यानी कि किसी भी हालत में चैप्टर में एवरेज को पहले क्या बनाना पड़ेगा, मुझे सम बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्योंकि यहां देखिए हम यहां तो ले रहे हैं 3 और 6 9 और 2 11, तीनों को सम कर रहे हैं ना, तो 11 यूनिट जो है ये डायरेक्ट इसके बराबर नहीं होगा क्योंकि ये तो एवरेज है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 11 यूनिट इज इक्वल टू 88 इंटू 3। क्यों, एवरेज को हमने नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 3 नंबर से, तो क्या निकल गया, सम निकल गया। अब सम इज इक्वल टू सम हो गया, है ना। तो 11 यूनिट जो है 88 × 3 के बराबर, ये ध्यान रखना है। इस चैप्टर में एक खास बात है, जब जितने नंबर का एवरेज दिया होगा उतने से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 8 से कट कर जाएगा यानी कि 24 के बराबर हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटर इन तीनों में कौन है 6, तो 6 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो हम बोल सकते हैं कि 24 × 6 यानी कि 144 के बराबर हो जाएगा। अब यहां से आपको कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना, स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। आप सोच रहे होंगे इतना इजी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक यही था, 3 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है 88, बबच्चे गलती क्या करते हैं जल्दबाजी में, ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। क्लियर है। तो वो जो होता है वो भी ऑप्शन में एग्जाम में दिया हुआ, जैसे मान लो हमने 11 यूनिट सीधे लिया 88 के बराबर,
एक यूनिट होगा आज के बराबर, छह यूनिट 48 के बराबर, आंसर कितना आया 48। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, नन ऑफ दिस। आप 100% इसी को टिक लगाओगे। इस बात को आप ध्यान रखना कि जितने नंबर्स का एवरेज दिया होता है, एवरेज को जब हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा क्या निकलता है, सम निकलता है। और जब तक सम नहीं बनाएंगे तब तक आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और इसका मैं अभी एक दो क्वेश्चन और बताने वाला हूं, ताकि अगर आपको डाउट हो थोड़ा बहुत, आप उसको अच्छे से देखिए तीनों क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये एक अलग ही टाइप है, इसीलिए हम टाइप बाय चल रहे हैं। टाइप फोर ये हो गया, नेक्स्ट टाइप आएगा तो टाइप फाइव, जैसे टाइप चेंज होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए हमने लिख दिया है, क्वेश्चन आपके सामने है। इसके बाद एक जो क्वेश्चन मैं लूंगा उसका बहुत ज्यादा लेवल में टफ करने वाला हूं। ठीक है, यानी कि अभी तक आपने देखा होगा कि दो गुना हो जाता है, तीन गुना, अब इसके बाद जो मैं लेने वाला हूं वो लूंगा 3/2 टाइम्स हो जाता है। उसको कैसे बनाएंगे इसके बाद आपको मैं वो क्वेश्चन बताने वाला हूं। अच्छा, इन थ्री नंबर्स फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, तो पूरा क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्या करते हैं तीन नंबर यहां पर पहले इंडिकेट करते हैं, है ना। इन थ्री नंबर्स फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, यानी तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है ना, पहली दोगुनी है दूसरी की, यानी कि दूसरा एक है तो पहला दो है। क्लियर यहां तक? एंड सेकंड इज ट्वाइस द थर्ड, एंड सेकंड इज ट्वाइस द थर्ड, यानी कि ये एक है ये दो है। देखिए पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है तो पहली संख्या दूसरी की दोगुनी होगी, तथा दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है। क्लियर है? अब जो भी खाली जगह आपको दिख रहा है उसके पड़ोसी उसमें भर देना है, यानी यहां पे क्या बढ़ा जाएगा वन, यहां पर क्या बढ़ा जाएगा टू। अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन का पूरा क्वेश्चन पार्ट देखा होगा तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा अच्छे से मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, कि टू टू जा कितना हो जाएगा फोर, और ये कितना हो जाएगा टू, ये कितना हो जाएगा वन। अब अगर जिस बच्चों को बहुत कैलकुलेशन करता है, बहुत ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस करता है, तो वो इतना टाइम बर्बाद नहीं करता है एग्जाम में, इसको और भी छोटा हम कर सकते हैं, जो कि हमने रेशियो प्रोपोर्शन में भी आपको बताया हुआ है कि आप फिल इन द ब्लैंक्स से, तो देखो इसमें भी कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट 4:1 कैसे आएगा तो आप वो भी बना सकते हो, तो इसके लिए देखिए आप थोड़ा सा यहां देख लीजिए, हो सकता है ये आपको अगर समझ में आ जाता है तो ये और भी बेस्ट है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ना कि पहली संख्या दूसरी की दो गुनी, दूसरी तीसरी की तीन गुनी, तीसरी चौथी की चार गुनी, तो आप क्या करो हमेशा एंड से चलो, यानी कि पहली दूसरी तीसरी, एंड कौन है तीसरी संख्या, हम चलेंगे उल्टा। ये देखिए ये थ्री नंबर्स फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, इस लाइन को अभी छोड़ दो, सेकंड इज ट्वाइस द थर्ड, हम उल्टा चलेंगे, सेकंड जो है ना ये नंबर इसका ट्वाइस है, ये होगा एक, है ना, ट्वाइस है मतलब ये होगा एक और ये हो जाएगा दो, मतलब रिवर्स बनाएंगे ना तो मुझे फिल इन द ब्लैंक्स भी नहीं करना पड़ेगा और भी क्वेश्चन फास्ट बनेगा। अब आइए अब इस लाइन को पढ़िए, इन थ्री नंबर्स फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, और फर्स्ट जो है ये इसका ट्वाइस है, ये इसका ट्वाइस था तो एक दो दे दिया, अब ये नंबर जो है इसका ट्वाइस है यानी कि ये चार होगा, तो देखिए चार दो एक, तो ये अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इतना टाइम बचेगा, बहुत ज्यादा टाइम बचता है। तो डायरेक्ट रेशियो निकालने के लिए भी तरीका है, आप उल्टा चलो, ऐसे चलो फिर फर्स्ट लाइन को पढ़ो तो डायरेक्ट रेशियो आप बना सकते हो, सीधे चलोगे तो फिल इन द ब्लैंक से बेस्ट कुछ नहीं है, आप देख लेना आपको जो भी बेटर लगे। ठीक है, अब आइए चार दो छह और एक सात, सात यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, एवरेज है 42 का, कितने नंबर्स का, तीन नंबर्स का, मल्टीप्लाई हमने क्योंकि आप समझ गए होंगे, क्योंकि एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू होता है सम, ये मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। एक यूनिट जो है वो कितने के बराबर होगा, 7 × 42 18 के बराबर होगा। अब मुझे यही तो बोलना निकालने के लिए कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, इन तीनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, वन, वन यूनिट ही मेरे पास क्या है 18 के बराबर हो गया। अगर बोलता ग्रेटेस्ट नंबर, चार से मल्टीप्लाई कर देते, सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर तो दो से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है, तो आपका आंसर क्या आ गया 18। तो अभी तक तो हमने बिल्कुल सिंपल लिया है कि पहली संख्या दूसरी की दो गुनी है, दूसरी तीसरी की तीन गुनी है। तीसरा जो मैं क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, पहली संख्या तो दूसरी की दो गुनी होगी, या हो सकता है मैं थोड़ा सा और भी लेवल इसमें चेंज कर दूं कि पहली संख्या दूसरी की 3/2 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की 4 गुनी है, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं, फ्रैक्शन में लेके आ रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो आज का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है आप देखेंगे सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इसमें हमने लेवल को पूरा बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे बनाते हैं, फिल इन द ब्लैंक से बनाते हैं। मेरे हिसाब से अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो तीन क्वेश्चन हमने इस टाइप में कराया आपको, तो दो जो क्वेश्चन कराया है वो इससे भी डिफिकल्ट था, ये सबसे आसान क्वेश्चन है।
लेकिन बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए, बोल रहा है कि इन फोर नंबर्स, सबसे पहली बात आपको चार नंबर लिखना पड़ेगा, पहला नंबर, दूसरा नंबर, ठीक है जी, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। अभी तो तीन नंबर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और हमने इसमें लिया है चार नंबर, लेवल बढ़ा दिए हैं। और उसमें भी देखिए कंडीशन कैसा दिए हैं, इन फोर नंबर्स फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, ये तो बहुत इजी है ना, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी होगी। आगे देखिए, एंड थर्ड इज 3/2 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट, थर्ड नंबर 3/2 टाइम्स है किसका, फर्स्ट का। अब आपको कुछ नहीं करना, यहां पर फिर इन द ब्लैंक नहीं लगाना। जब आपको ऐसा देता है 5/6 गुनी, 3/2 गुनी, 4/3 गुनी या 3/4 गुनी, फ्रैक्शन में जब भी नंबर ऑफ टाइम्स देता है, तो मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन सबसे इजी होता है। देखिए कैसे, थर्ड नंबर है पहले का 3/2 गुनी, पहला कितना है आपका 2, तो 2 का 3/2 निकाल लो। देखिए हम कहीं एरो लगा रहे हैं, तीसरी संख्या पहले की 3/2 गुनी है, पहली संख्या हमने लिख लिया 2, इसका 3/2 गुनी मल्टीप्लाई कर दिया, इजी हो गया ये, इससे क्या होगा कट जाएगा, क्लियर। अब आइए यहां तक का वेरीफाई हो गया, एंड फोर्थ नंबर्स आर 1/4 ऑफ द थर्ड, यानी चौथी संख्या तीसरी का 1/4 गुनी है, तीसरी कितना निकला आपका 3, इसका निकाल दो 1/4, यानी हम अब ये बोल सकते हैं ये हो गया 2:1:3:3/4। आपको पता है कि जब कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में आता है तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, नॉर्मल रेशियो बनाने के लिए, क्योंकि फ्रैक्शन में डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 4 × 2 = 8, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 12, और ये रहेगा आपका 3। अब फ्रैक्शन हट गया यहां से। अगर आप उसको अब वेरीफाई करना चाहते हो तो पूरा का पूरा वेरीफाई करके बताता हूं मैं आपको, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, वेरीफाई हो गया, तथा तीसरी संख्या पहले की 3/2 गुनी है। 8 का 3/2 देखो कितना होता है, अगर आप सॉल्व करोगे तो 12 ही आएगा, 12 आ गया, तथा चौथी संख्या तीसरी की 1/4 गुनी है, 12 का 1/4 निकालो, देखो 3 आ गया, ठीक है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो मेरे हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करना पड़ेगा, और भी इजीली आप बना सकते हो। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले इसको, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, ये तो क्लियर है, तीसरी संख्या पहले की 3/2 गुनी है, जिसके बारे में बोलता है ना उसका वैल्यू उठा लो और उसको उसे क्या करो मल्टीप्लाई कर दो 3/2 गुनी। फिर चौथी संख्या तीसरी का 1/4 गुनी है, तो 3 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 3/4। अगर फ्रैक्शन में आ गया है तो इसको इसे मल्टीप्लाई, इसको इसे मल्टीप्लाई, इसको इसे मल्टीप्लाई, ये 3 का 3 रहेगा, फ्रैक्शन हट गया यहां से, क्योंकि हमने क्या किया एलसीएम लेके सबको बराबर कर दिया। अब आप देखेंगे नॉर्मल रेशियो बन गया, अब हम अपने मेथड चलेंगे, 8 × 4 = 12, 12 × 12 = 24, कितना हो गया 27 यूनिट जो है वो कितने के बराबर होगा, तो 81 × 3 = 4 के बराबर, 4 क्यों आप समझ गए होंगे, क्योंकि 4 नंबर्स का एवरेज है। ओके, यहां पे मैं लाइन खींच देता हूं, 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 27 × 81 बोल सकते हैं कि 12 के बराबर होगा। अब किसका पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर है 12, स्मॉलेस्ट नंबर है 3, अंतर कितने का है 9 का, ठीक है, डायरेक्ट अंतर दे लो। जैसे जैसे यहां पर बोल रहा है वैसे वैसे आप क्वेश्चन में एक लाइन में सॉल्व करो। अब ये नहीं कि आप बड़ी संख्या निकाल रहे हैं, छोटी संख्या निकाल रहे हैं, फिर अंतर ले रहे हैं, कुछ तो टाइम लगेगा, इसलिए डायरेक्ट यहां पर डिफरेंस कितने का 9 का, क्लियर, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 9 = कितना हो गया 108 इज आंसर, सी आंसर हो जाएगा आपका, क्लियर है बात। इस टाइप का क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन मैंने कराया सिंपल, दूसरा भी मैंने उसके बेस में सेकंड क्वेश्चन करा दिया, तीसरा तो हमने क्वेश्चन कराया, अब इससे ज्यादा डिफिकल्ट उसमें क्या पूछेगा, 5 नंबर लेगा, अगर मान लो पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तीसरी पहली की 5/6 गुनी है, किसी भी लेवल का क्वेश्चन अगर आपको पूछता है, जब फ्रैक्शन का आता है तो आप फिल इन द ब्लैंक से मत बनाओ, बहुत ज्यादा टफ हो जाता है वो, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। जिसके बारे में बोलता है पहली की 3/2 गुनी, तो पहला का वैल्यू उठा लो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, चौथी संख्या तीसरी की 1/4 गुनी है, तीसरी की वैल्यू 3 उठाया हमने, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व करके वैल्यू आ गया, फिर तो आपको पता ही है। लेकिन ये पॉइंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसको आप मत भूलना, एवरेज को एवरेज है ना इनटू में नंबर इज इक्वल टू मेरा क्या निकलता है सम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब आगे जितने भी वीडियो आप देखोगे उसमें
हर एक में यही ट्रिक लगेगा, एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू सम। ठीक है, तो आज की क्लासेज में हमने टाइप नंबर 4 कराया, जिसमें तीन टाइप आपको कराया, एक टाइप मैंने कंप्लीट करा दिया। आप इसको अच्छे से नोट्स बना के अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर खूब करें। अगर आप फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कॉन्टिन्यूसली मिलता रहे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट लेवल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।